शुरुआत कर लेते हैं, मैथमेटिक्स से से कर कर लेते लेते हैं। हैं। पार्ट पार्ट वन वन देख देख लेते लेते हैं हैं किस किस तरह तरह का का आने आने वाला वाला है, है, ये ये आप आप पार्ट पार्ट वन वन देख देख पा पा रहे रहे हैं। हैं। यस, यस, तो तो आप आप देख देख रहे रहे हैं हैं आत्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ है, है, भाग भाग एक एक है है जिसके जिसके अंदर अंदर जो जो है है 80 80 मार्क्स मार्क्स का का तो तो कुल कुल रहेगा, रहेगा, भाग भाग एक एक 40 40 का, का, भाग भाग दो दो भी भी 40 40 का का रहेगा, रहेगा, और और ये ये आप आप देख देख पा पा रहे रहे हैं हैं भाग भाग एक एक में में 12 12 प्रश्न प्रश्न और और भाग भाग दो दो में में 40 40 प्रश्न प्रश्न रहेंगे, रहेंगे, भाग भाग दो दो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप टाइप रहेगा रहेगा और और भाग भाग एक एक सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप टाइप रहेगा। रहेगा। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप टाइप आपको आपको जब जब आपका आपका एक एक घंटा घंटा शेष शेष रह रह जाएगा जाएगा तब तब आपको आपको दिया दिया जाएगा। जाएगा। चलिए चलिए अभी अभी हम हम देख देख लेते लेते हैं हैं कि कि जो जो भाग भाग एक एक है है उसके उसके 12 12 प्रश्न प्रश्न में में ये ये इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन ध्यान ध्यान से से पढ़िएगा पढ़िएगा कि कि क्या क्या है है इसके इसके अंदर अंदर आप आप देख देख पा पा रहे रहे हैं। हैं। भाग भाग इसका इसका सेक्शन सेक्शन ए ए में में 2 मार्क्स2 मार्क्स के के 6 क्वेश्चन6 क्वेश्चन हैं, हैं, आप आप देख देख रहे रहे हैं हैं ये। ये। और और फिर फिर पार्ट पार्ट बी बी में में चार 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 नंबर नंबर के के 4 क्वेश्चन4 क्वेश्चन आ आ रहे रहे हैं, हैं, और और फिर फिर पार्ट पार्ट सी सी में में आप आप देख देख पा पा रहे रहे हैं हैं 6 मार्क्स6 मार्क्स के के 2 क्वेश्चन2 क्वेश्चन आ आ रहे रहे हैं। हैं। सेक्शन सेक्शन ए ए और और बी बी में में कोई कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं नहीं है, है, लेकिन लेकिन सेक्शन सेक्शन सी सी में में जरूर जरूर आपको आपको इंटरनल इंटरनल चॉइस चॉइस मिलेगा। मिलेगा। ठीक ठीक है, है, तो तो ये ये है है भाग भाग एक। एक। चलिए चलिए चलते चलते हैं हैं भाग भाग बी बी की की ओर। ओर। जैसा जैसा कि कि आपका आपका 1 घंटा1 घंटा शेष शेष है, है, तो तो ये ये पकड़िए पकड़िए आप आप अपना अपना पार्ट पार्ट टू टू मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स 10+2 10+2 का का हम हम स्टडी स्टडी कर कर रहे रहे हैं। हैं। इस इस प्रश्न प्रश्न पत्र पत्र में में आपके आपके 16 16 पेज पेज होंगे, होंगे, 40 40 क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे, होंगे, और और इसमें इसमें क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात ज्ञात करना, करना, मान मान ज्ञात ज्ञात करना करना या या इक्वल इक्वल टू टू है है ना ना फाइंड फाइंड द द एरिया एरिया इवेल्युएट इवेल्युएट करना, करना, इस इस तरह तरह के के 40 40 प्रश्न प्रश्न जो जो है है आने आने वाले वाले हैं। हैं। शुभकामनाओं शुभकामनाओं सहित, सहित, बेस्ट बेस्ट ऑफ ऑफ लक लक मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के के लिए। लिए। ये ये ना ना केवल केवल आर्ट्स आर्ट्स में में बल्कि बल्कि साइंस साइंस स्टूडेंट स्टूडेंट के के लिए लिए भी भी होता होता है है कि कि साइंस साइंस विंग विंग वेट वेट कर कर रही रही होगी होगी कि कि सर सर फिजिक्स फिजिक्स पर पर कब कब आएंगे। आएंगे। तो तो ये ये लीजिए लीजिए प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चों, 70 मार्क्स70 मार्क्स का का आपका आपका टोटल टोटल रहने रहने वाला वाला है, है, 35 मार्क्स35 मार्क्स का का पार्ट पार्ट वन वन और और 35 मार्क्स35 मार्क्स का का पार्ट पार्ट टू। टू। पार्ट पार्ट वन वन इज इज गोइंग गोइंग टू टू बी बी सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एंड एंड पार्ट पार्ट टू टू इज इज गोइंग गोइंग टू टू बी बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। पार्ट पार्ट वन वन विल विल बी बी कैरिंग कैरिंग 12 12 क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड एंड पार्ट पार्ट टू टू विल विल बी बी कैरिंग कैरिंग 35 35 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस। लेट्स लेट्स सी सी व्हाट व्हाट इज इज देयर देयर इन इन पार्ट पार्ट वन। वन। क्या क्या होने होने वाला वाला है है देखिए देखिए आप। आप। 35 मार्क्स के 12 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं खंड क में। सेक्शन ए में आप देख पा रहे हैं 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, नो इंटरनल चॉइस। सेक्शन बी की ओर आइए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं ये, 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इंटरनल चॉइस नहीं है। उसके बाद फिजिक्स में हम बढ़ चलते हैं, सेक्शन सी की ओर आ गए हैं हम, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है। इस तरह से 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 15 मार्क्स, 25 एंड 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, 35। ठीक है, तो ये रहने वाला है आपका। तो चलिए बढ़ चलते हैं हम, पार्ट टू देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। 35 क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 रहने वाले हैं 35 मार्क्स के, देख लेते हैं कैसे डिवाइड किया है। 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 से 18 तक एमसीक्यू दिए गए हैं। ये देखिए आप, 18 तक एमसीक्यू को ले जाया गया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 19 से 27 जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, और फिर 28 से हम देख लेते हैं क्या है ये। यस, आंसर द फॉलोइंग, जिनका आंसर आपने कोई सूत्र पूछा जा सकता है एक शब्द में या एक लाइन में, मिक्स हो सकता है बाकी। तो इस तरह से 35 मार्क्स का फिजिक्स का रहने वाला है। साइंस विंग को भी शुभकामनाएं विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम की ओर से। अरे अरे जाइए नहीं, अभी यहीं रहिए, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी तो है आपके पास। तो चलिए कंटिन्यू रखिए, पार्ट सेम है बिल्कुल फिजिक्स की तरह ही, 35 35। ठीक है, इसमें क्या रहने वाला है केमिस्ट्री में आप देखिए। पार्ट वन इज, तो केमिस्ट्री में कितने रहने वाले हैं देख लेते हैं हम, 12 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है केमिस्ट्री में भी, कोई फर्क नहीं है, 12 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ भी। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सेम है क्या लेवल फिजिक्स जैसा। जी हाँ, 2 2 नंबर के 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, और 3 3 नंबर के कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप में कितने हैं, फिजिक्स के जैसा ही है क्या। बिल्कुल सेम है,
कोई फर्क नहीं है, आप देख पा रहे हैं। बस केमिस्ट्री में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक फर्क डाला है कि 1 + 2 + 2 कर दिया है या 2 + 3 कर दिए हैं, और कोई फर्क नहीं है। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ पर इंटरनल चॉइस है, और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में इंटरनल चॉइस फिजिक्स की तरह यहाँ भी नहीं रखी गई है। तो ये है आपका केमिस्ट्री का पार्ट 1। चलिए, 1 घंटा शेष है और कौन से 35 क्वेश्चन रह गए थे आपके पार्ट 2 के? अरे नहीं जा रहा हूँ बाबा, लेकर आया हूँ आपके लिए। ये देखिए आप, बिल्कुल सेम पैटर्न है फिजिक्स जैसा ही क्या? बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। 1 से 18 MCQ थे उसमें भी, इसमें भी क्या ऐसा ही है? ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल 35 क्वेश्चन, बिल्कुल वो सीरियल भी वही है। 19 से 27 फिर से इन्होंने खालिस्तान ना रख के यहाँ पर एक शब्द और मिक्स कर दिया है, और कोई फर्क नहीं है। तो 35 क्वेश्चन, तो बेस्ट ऑफ लक केमिस्ट्री के लिए भी। अरे जाए नहीं, जाए नहीं बाबा, जीव विज्ञान भी लेकर आए हैं हम आपके लिए, बायोलॉजी भी तो करनी है ना, ठीक है? तो ये कितने का है? सेम बायोलॉजी का रहने वाला है, बिल्कुल PCB बिल्कुल सेम रहने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 70 35 35 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्वेश्चन भी 12 और 35 बिल्कुल सेम है। देख लेते हैं क्या ये भी वही है, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, इज इट सो? यस यस यस। एंड इन सेक्शन बी 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, इज इट सो? यस यस यस। एंड देन इन सेक्शन सी, लेट्स सी, इज इट दैट 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स विद इंटरनल चॉइस? यस वेरी मच देयर। सो सेक्शन ए इज हैविंग द सेम पैटर्न फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, बिल्कुल मार्क्स का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं सेम रहने वाला है। और बायोलॉजी के पार्ट 2 में 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बिल्कुल रहने वाले हैं, देख लेते हैं। ये भी वही है, एक एक मार्क्स के यहाँ मिक्स कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन अगर उन्होंने परिभाषा पूछ ली, दूसरा MCQ बना दिया। एंड 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 वी गो हेड, देखिए आप MCQ आ रहे हैं, ये वहाँ भी थे, ये यहाँ मिक्स कर दिया है। बस बायोलॉजी में ये फ़र्क है, अलग अलग नहीं रखा है, क्या है निष्क्रियता, ठीक है? तो बायो में यूं कहो कि MCQ कम है एज कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है? एज कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर MCQ कम है, एक शब्द एक वाक्य कोई सूत्र वगैरह के ज़्यादा पूछ सकते हैं वो परिभाषा। तो गेट रेडी फॉर द शो, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, बेस्ट विशेज। मैथ का आपको पहले ही दे चुके हैं, तो साइंस विंग आप जा सकते हैं।